असलम लर्नर्स एंड ऑन टिपिन्योज एंड वेलकम इन द वीडियो वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब अपनी इंटरनल uh, असमेंट या इंटरनल ऑडिट की जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एक बात याद रखिए अगर तो आपकी एक लार्ज फॉर्म है तो लार्ज फॉर्म की अपनी एक आइडेंटिटी होती है वो एक आर्टिफिशल पर्सन होता है उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स होंगी और अपनी वीकनेसेस होंगी बट अगेन अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर अभी अब आप एक सोल प्रोपराइटर हैं या अभी आप बिल्कुल ही एक इनिशियल स्टेज पर हैं जिसमें आप एक स्टार्टअप यू नो उसकी हैसियत रखते हैं तो फिलहाल आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और आपकी वेंचर की आपकी आइडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस काफ़ी हद तक एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी अगेन चूंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है और विद द लेंस ऑफ ऑनटरप्रनोरशिप है सो इसीलिए हम यही बात करना चाहते हैं कि आपने जब भी स्वॉट एनालिसिस बेसिकली स्वॉट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ वीकनेसिस ऑपरचुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस एक तरह का टूल है आपके इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का एक टूल है चाहे वो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट हो चाहे वो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो इंटरनल इन्वायरमेंट से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आती हैं आपकी या आपके वेंचर की और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होती हैं सो आई रिपीट अगर आप एक ऑनटरप्रनोर हैं और अभी आप नया नया बिजनेस वेंचर इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो जब आपने कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस आइडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई नहीं करनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई करनी है अच्छा स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बेसिकली है क्या सादा लफ्ज़ों में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो स्ट्रेंथ्स आर द पॉजिटिव इंटरनल फैक्टर्स दैट हेल्प अ बिजनेस वेंचर टू अचीव इट्स विजन मिशन स्टेटमेंट गोल्स एंड ऑबजेक्टिव और इसका ऑपोजिट है वीकनेसेज और वो क्या है नेगेटिव इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्हीबिट एनी बिजनेस फॉर अचीविंग इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और ये एडवर्सली इफेक्ट कर रहे होते हैं आपके सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज को अच्छा अगर हम बात करें स्ट्रेंथ्स की और ये स्ट्रेंथ या वीकनेसेस आपकी अपनी जात के हवाले से हैं इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि जब आपने एक ऑन्टरप्रोर बनना है तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है सो so, अगर आपसे हमें एक चेक लिस्ट शेयर करना चाहें और ये एग्जाम्पल है इस तरह के बहुत से सवाल आपको अपनी ज़ात से करने चाहिए ताकि आप अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकें प्रोवाइडेड कि अभी आपका जो बिज़नेस है वो एक रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है और उसकी एक आर्टिफिशियल अपनी आइडेंटिटी नहीं है मिसाल के तौर पे, एम आई क्लेयर अबाउट द डेस्टिनेशन आर माई स्किल्स सफिशेंट फॉर द केक स्टार्ट और ग्रोथ वट आर माई लिमिटेशन इन विच एरिया आई एम लैकिंग? एंड विच कुड एडवर्सली या पॉजिटिवली इफेक्ट माई वेंचर इस्टेब्लिशमेंट या ग्रोथ इज माई नेटवर्क वर्दी फॉर इस्टेब्लिशिंग न्यू वेंचर और ग्रोथ वॉट इज द लेवल ऑफ माई कमिटमेंट दैट आई कैन ब्रिंग इन टू माई बिजनेस वेंचर ये तमाम सवाल जब आप अपने आप से कर रहे होंगे और इसका जवाब आप ढूंढ रहे होंगे तो बेसिकली आप अपनी स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आई रिपीट बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखती है बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विद द लेंस ऑफ ऑन्टरप्रनोरशिप ऑनरप्रन्योर के भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखती है प्रोवाइड अगैन कि अगर फर्म का साइज अभी स्मॉल या मीडियम है या वो स्टार्टअप है जब हम इंटरनल ऑडिट करते हैं इंटरनल ऑडिट मीन्स अपने इंटरनल ऑडिट फॉर द बिजनेस वेंचर तो फिर हमारे जहन में कौन कौन से सवाल आते हैं मिसाल के तौर पर हमारे जहन में सवाल आते हैं कि इस वेंचर्स ऑबजेक्टिव एंड गोल्स मैर है वो इस वेंचर्स ऑबजेक्टिव एंड गोल्स आर वेल कम्युनिकेटेड टू ऑलजिकार्टनर पता चले दो लोग लेकर आए हैं और जो पार्टनर ए है उसके जहन में एक अलग ही बिजनेस आइडिया और जो पार्टनर बी है उसके परसेप्शन हो इस प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन इज कम्पेरेटिव इस सिलेक्टेड टारगेट मार्केट इज वेल थॉट वेल प्लान इज माई प्राइसिंग स्ट्रेटी कम्पेरेटिव आर माई यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन वेल कम्युनिकेटिंग टू द टारगेट मार्केट Is customer orientation well crafted? Is venture structure appropriate? Are the job descriptions and the requirements clearly communicated to the all strategic partners? Is strategic partner morale high? Are employees' absenteeism and turnover is low? Are reward and control mechanism effective? ये वो सवार सारे के सारे सवाल हैं या जो चेकलिस्ट हैं कि बेसिकली जब आप इनके जवाब ढूंढ रहे होंगे तो आप बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे अगेन एक बात याद रखिए जब आप किसी भी आइडिया को लेकर चलते हैं तो उस आइडिया को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जाता उसको अच्छी तरह से असेस किया जाता है और असेसमेंट के लिए उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस आपको दोनों जाननी चाहिए सो so, जो हमने इससे पहले सवाल शेयर किए या अब जो सवाल शेयर किए हैं वो एक ऑनटरपन्योर को उनके जवाब आने चाहिए ढूंढने चाहिए uh, बहुत से टूल्स अवेलेबल होते हैं जो आपको हेल्प कर देते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ख़ास तौर पे अगर ये मीडियम साइज़ बिजनेस है या लार्ज साइज़ बिज़नेस है तो उनके पास तो बहुत कुछ बने बनाए टूल्स होते हैं मिसाल के तौर पर आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो भी आपको बता रहा होता है आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस मिसाल के तौर पर आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये बता रहा है कि आप बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं और आपके बेनिफिट्स आपके कॉस्ट से कहीं ज़्यादा हाई हैं तो इट मीनस ये आपकी स्ट्रेंथ है लाइक आपकी फ़ाइनेंशियल रेशोज बहुत कुछ बता रही होती हैं आपकी फाइनेंशियल रेशोज़ आइडेंटिफाई कर रही होती हैं आपकी वीकनेसेस या हाईलाइट कर रही होती हैं आपकी स्ट्रेंथ्स और इसी तरह प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन असमेंट्स यानी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके यानी आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी सौ में से सिर्फ एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव होती है और बाजूत वो भी डिफेक्टिव नहीं होती तो इट मीनस दिस इज़ योर स्ट्रेंथ आप अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे एक अगेन एक स्टार्टअप हैं या एक न्यूली स्टैब्लिशमेंटर है, हैं मीडियम साइज हैं कॉर्पोरेट वालों ने तो अपने पास ये सारा मैकेनिज्म डेवलप किया ही होता है आपके पास एक टेबल होना चाहिए जिसमें आपके पास आपकी सारी स्ट्रेंथ्स और सारी वीकनेसेस ऑल रेडी आपके पास लिखी होनी चाहिए स्ट्रेंथ्स वो एरियाज हैं जिनको हम इंश्योर करते हैं बिकॉज वो हमारे की सक्सेस फैक्टर्स भी होते हैं हमारे कंपेटिव एडवांटेज भी होते हैं और जो वीकनेसेस होते हैं ये वो हमारे एरियाज़ होते हैं जिनके लिए करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड होता है अदरवाइज हम एक्सप्लॉयड हो जाएंगे बाय द कंपेटर्स अगर अपनी वीकनेसेस को ओवरकम नहीं करेंगे रेक्टिफाई नहीं करेंगे सो so, एट द एंड आप अपनी और अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को रियलिस्टिकली ज़रूर मैयर करें यू शुड नो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या हैं ताकि आप उनको मजीद बेहतर कर सकें और वीकनेसेस क्या हैं ताकि करेक्टिव एक्शन ले सकें सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो